अमित शाह के बेटे की प्रॉपर्टी 10 साल में, अभी 10 साल भी पूरे ना हुए सरकार को, 10 साल में 1600% बढ़ गई। कहाँ से आ गई वो क्या फावड़ा चला रहा है खेतों में आके, क्या ले बीजेपी में अब नाम कर दे गठबंधन को। भूख बड़ी की नेता भूख बड़ी है, बेटे जज्बात में काम ना करे करते, जब भी तो देश का नाश हो गया। जैसे अखिलेश यादव की रैली में आकर के मैंने इस तरह की चीजें दिखाई, यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं सबको मिर्ची लग गई है। देखिए अभी हम अमरोहा में राजकीय इंटर कॉलेज के बाहर खड़े हैं और अंदर जो है वो रैली चल रही है राहुल गांधी और अखिलेश यादव की। तमाम सारे लोग हैं जो अंदर मौजूद हैं और कुछ लोग हैं जो अभी भी देख सकते हैं कि अंदर चल के जा रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अंदर से बाहर की तरफ आ रहे हैं। अभी चाचा बताओ कौन बोल रहा है? गांधी सर। गांधी सर। अखिलेश यादव। कहाँ जा रहे हो? हम तो अमरोहा में ही हैं। अच्छा अमरोहा में ही हैं। अमरोहा के रहने वाले। अमरोहा के तो निकल आए? हाँ निकल गए। निकल आए थे सुबह? दो बजे आए थे। दो बजे भूख लग रही है। अच्छा भूख लग रही है, भूख के आगे नेता को भी भूल गए। अच्छा बताओ भूख बड़ी की नेता? भूख बड़ी है, नेता तो सब अपना पेट भरने के लिए ही करते हैं सब। मैं ये देख रहा हूँ वोट बैंक बनाने के लिए सब, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ अखिलेश यादव बोल रहे हो पब्लिक अंदर से बाहर आ रही है और बाहर से भी अंदर जा रही है, लेकिन नेता को सुनने में उतनी दिलचस्पी नहीं है किसी की। दिलचस्पी होगी? 9 बजे से। आप 9 बजे से जी? हालत खराब हो गई होगी। अब तो खाना खा के आए हैं अभी होटल पे। अच्छा ये बताओ बीजेपी की रैली में मैंने देखा खाने का इंतजाम करते हैं, वो लोग यहाँ नहीं है? उन पे पैसा, उन पे पैसा है, इन पे पैसा नहीं है। तो क्यों सादा पानी? नहीं सादा नहीं, अपना खुद जुटाते हैं। उन पे पैसा गवर्नमेंट का है वो यूज करते हैं, और मंत्री लोग हैं, प्रधानमंत्री लोग हैं। उनके पास इलेक्ट्रोल बॉन्ड का पैसा है, इसलिए सबको कुछ भी खिला सकते हैं वो। ये इनके जब ये सत्ता में आएंगे तब ये भी खिला देंगे इन। एक बार हमें मौका देते हैं कि वो क्या नाम है खाने पे और इन सब पे पब्लिक को रोक लेते हैं। हमें देख रहे हैं कि अखिलेश यादव बोल रहे हैं इस वक्त कायदे से एक भी व्यक्ति को बाहर नहीं आना चाहिए, जो नेता के प्रति प्रेम है वो दिखना चाहिए, लेकिन पब्लिक धीरे धीरे बाहर आ रही है। आप खाली कुर्सियाँ दिखाते हो बीजेपी की? हाँ बिल्कुल, बीजेपी की खाली कुर्सियाँ बिल्कुल दिखाया करो। दिखाते हैं भाई, दिखाते करो, दिखाया करो, जितनी भी रैलियाँ होती है जरा खाली कुर्सियाँ भी दिखाते हैं। और यहाँ पे कौन सी खाली कुर्सी है वो भी दिखा दो मुझे, चलो। अरे एक खाली कुर्सी नहीं रहती है, एक खाली कुर्सी दिखाओ। ठीक है हम वो लगा देंगे, बिजवल भाई ये कह रहे हैं ना इसी अमरोहा के जितने भी लोग रहते हैं वो देख लेंगे, बिजवल लगा देंगे। और जो कहा आपने कि बीजेपी की खाली कुर्सी, जाके चैनल पर ग्लोबल खबर पर देख लीजिए, एक नहीं दो नहीं जितनी रैलियों में मैं गया हूँ सबकी दिखाई है। अच्छा ये बताओ कि नेताजी अंदर बोल रहे हैं क्या क्या बातें सुनी आपने उनकी? सुनी कुछ नहीं सुनी? सुनी रहे और क्या सुनना है? क्या इस बार बीजेपी जाने वाली है? यही बोला उन्होंने? नहीं बहुत कुछ बोला, लेकिन उसका कंक्लूजन यही है कि इस बार बीजेपी जाने वाली है। आपने उनकी बात पूरी नहीं हुई और कंक्लूजन पहले ही निकाल कंक्लूजन पहले ना आए। अरे मुंह उतना भी तो पड़ा है या वहाँ बंद लगवा लें मुँह तो लेकू आए ना। तो फिर तो नेता का जो प्रेम है वो मैं देख रहा हूँ, एक आदमी को अभी तक नहीं आ रहा था किसी को मुँह, और जैसे अखिलेश यादव बोलने लगे सबको मुँह आ गई। ऐसा है जब शेर बोलता है तो क्या लगता है? आप बीजेपी के प्रवक्ता हो कि पत्रकार हो? आप पहले बताओ पत्रकार हो कि बीजेपी के प्रवक्ता हो? क्या लगता है प्रवक्ता लग रहे हो, पत्रकार कम लग रहे हो? अच्छा आप प्रवक्ता तो आप जाके ग्लोबल खबर देखो। आप पत्रकार हो कि बीजेपी के प्रवक्ता हो? जंगल में बात जाए, न्यूट्रल पत्रकारिता करो यहाँ पर। आप न्यूट्रल पत्रकारिता करो, पत्रकारिता ही कर रहे हैं। मैं ये देखता हूँ मुद्दों की बात करो, मुद्दों की बात मत करो, मुद्दे की बात करो। आपने पूछा कि नौकरियां कितनी मिली? आपने पूछा बेरोजगारी? सब कुछ पूछा है, यही पे सबके साथ किया है, सबके साथ नौकरी मिल गई। आप बीजेपी एक मिनट मैंने एक लाइन, मैं बीजेपी का झंडा नहीं चला रहा हूँ, मैं ये ऑन द कैमरा कह रहा हूँ। सुनिए ये मैं ऑन द कैमरा कह रहा हूँ कि बीजेपी की रैली में जाकर के मैंने तमाम जगह इस तरह की रिपोर्टिंग की, लेकिन ऐसा किसी ने नहीं कहा। लेकिन जैसे अखिलेश यादव की रैली में आकर के मैंने इस तरह की चीजें दिखाई, यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं सबको मिर्ची लग गई है, उल्टा दिखा रहे हैं। अंदर देखिए सारी रैलियों में दिखाता हूँ क्या है अच्छी चीजें बुरी चीजें। ऐसा नहीं कीजिए, आप उल्टा दिखा रहे हैं, ऐसा थोड़ी है। हम तो अखिलेश यादव के वो है समर्थक, ऐसा थोड़ी है जो पलट जाएंगे किसी के उस पे।
आप प्लेट आप किसके किसके साथ हैं? बीजेपी बताइए। अच्छा ये बताइए, आप बताइए किसके साथ हैं आप? मुद्दे की भी बात करेंगे, मुद्दे पे हमने तमाम सारी वीडियो करी है। इस वीडियो में अभी तक तो एक भी मुद्दे का क्वेश्चन किया नहीं है। रोजगारी के बारे में पूछो ना, मैं दिखा। देखिए एक बार बताइए, जब यहाँ पर आपके राष्ट्रीय नेता बोल रहे हैं उस वक्त पर सभी को सुनना चाहिए, लेकिन सुन रहे। मैं बताऊँ कौन आया बात? ये तो इतने सारे लोग यहाँ, ये तुम्हारी कवरेज के लिए आ गए ना, तो कोई भी ना, एक भी कुर्सी यार खाली दिखा दो सर। चला राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोल रहे हैं, वो बोल रहे पश्चिम से जो हवा चली है वो पूरे देश में बीजेपी का सफाया करेगी। बीजेपी हाँ, राहुल गांधी और अखिलेश यादव में किसका ज्यादा क्रेज है? यूपी में अखिलेश जी का और देश में राहुल गांधी जी का क्रेज ज्यादा। तो क्या लगता है कि जो दोनों लोगों को मिलकर के जो राजनीति का एक समीकरण तैयार हुआ है, इससे चोट पहुंचेगी भारतीय जनता पार्टी को? बीजेपी 165 पे क्लियर हो रही है, गठबंधन ये एनडीए गठबंधन 165 से ऊपर नहीं जा रहा बिल्कुल भी। लेकिन वो लोग तो दावा कर रहे हैं कि 75 सीटें यूपी में लगभग आएंगी। यूपी में 35 सीटें पकड़ ले तो मुझे बता दियो आगे। तो पहले भी नहीं आई थी, दो बार जब मोदी मोदी हो रहा था, जब आप जैसे पत्रकार दिन भर मोदी मोदी दिखाते तब भी नहीं आई थी। अब तो कहीं से कहीं तक भी नहीं आ सकती। ये तो आपको भी ना पता, एक चीज बताइए, जो 30 सीटों से ज्यादा नहीं जाएंगे उत्तर प्रदेश में, 30 सीटें 30 सीटों से ज्यादा नहीं जाएंगी भाजपा की, बाकी सब गठबंधन है या बीजेपी जीते। अच्छा सर ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हमारे शासनकाल में सबका विकास हुआ है, हम सबका साथ लेकर चल रहे हैं, हम हिंदू मुस्लिम भी नहीं देख रहे हैं, जितनी भी योजनाएं आ रही हैं वो जाति धर्म देखकर नहीं, सबको मिल रही है। विकास काय का हुआ है ये बताइए कि इस चीज का हुआ है? अडानी का हुआ है, अंबानी का हुआ है, इन लोगों का विकास हुआ है, छह लोगों का विकास हुआ है, छह लोगों का, जो बड़े लोग हैं उनका विकास हुआ है। हमारे जो एक मिनट हमारे जो सांसद जी हैं दानिश अली जी, इनकी बेइज्जती हुई पार्लियामेंट में, किसने करी वो विकास? वो मानते हो तुम कि मुसलमानों के साथ कुछ नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? आप मानते हो टारगेट बना रहे हैं लोग एक समुदाय को? आप मानते हो दिनेश बगुड़ी ने क्या क्या बोला? आप मानते हो कि नहीं मानते? तो ये तो कहां मोदी जी का जो नारा सबका साथ सबका विकास, रमेश भदूड़ी ने सदन में बोला, वो मैं कैमरे पे कह रहा हूँ, वो गलत है तो है। बीजेपी भी यार मोदी ने क्यों नहीं किया उसका? बीजेपी सबसे ज्यादा फिरोट तो बीजेपी में ही है, सबसे ज्यादा दल है बीजेपी में। अब नाम कर दे गठबंधन को, फ्रॉड तो बीजेपी के हैं, कोई काम करा है इनने, कोई रोजगार दिया है? वो तो कह रहे कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी जो हैं, माफिया जो हैं, जो गुंडे हैं, वो तो इस सब सरकार में थे। माफिया गुंडे है भी बीजेपी में, पैसे दे दे सबको, अपनी सबको ले ले, क्यों ना करता है एनकाउंटर बीजेपी वालों का? बीजेपी वालों किसी का एनकाउंटर देखा? अजीत पवार जी 70,000 करोड़ का सिंचाई घोटाला, वो बीजेपी में 3 दिन में आ गए, वो नहीं है माफिया, वो भ्रष्टाचारी नहीं है। इलेक्ट्रोनल बॉन्ड कितनी बार वापस, मतलब ईडी का छापा पड़ा और उसके बाद में बीजेपी में आ गए, वो भ्रष्टाचारी नहीं है। छदम भूषण महाराज के, अमित शाह के बेटे की प्रॉपर्टी 10 साल में, अभी 10 साल भी पूरे ना हुए हैं सरकार को, 10 साल में 1600% बढ़ गई, कहाँ से आ गई? वो क्या फावड़ा चला रहा है? ये तो मैं आके क्या बताइए, जिंदगी बेरोजगारी कर रहे हैं, चोगना कर जाओ यार, बेरोजगारी इतनी होगी, आदमी फांसी खा के मर रहे हैं। उसे बात क्यों नहीं हो रही है? लेकिन कल यही अमरोहा में नरेंद्र मोदी आए तो वो तो ये कह के चले गए कि ये जो इनकी जोड़ी है ये कृष्ण विरोधी है। अखिलेश यादव जाकर देखिए, इनके पास मुद्दे है नहीं, उनको क्या करना है, भड़काना है, ये कर दो वो कर दो, बात करो, इतनी नौकरी दी हमें, मुझे 400 सीट क्यों दे? मैं तो उस बयान पर, प्रधानमंत्री के उस बयान पर जिसमें उन्होंने कहा था कि ये शहजादों की जोड़ी फ्लॉप शो को चलाने की कोशिश कर रही है, उस पर अमरोहा की जनता नाराज हुई? वोट देगी ना, पिछली बार भी जिताया था। 26 तारीख को पता चल जाएगा कि अमरोहा की जनता नाराज हुई या मोदी जी के बातों से खुश हुई, और 2-4 जून को रिजल्ट आएगा तो पता चल जाएगा चीज का। जी जी जी, ब्लैट पेपर से क्यों नहीं करा इलेक्शन? उससे क्यों करा रहे हो ईवीएम से? दूध पानी का पानी अभी पहले पता लग जाते हैं कि जहाँ पर ये लोग जीत जाएं वहाँ पर ईवीएम सही, और जहाँ पर हम जीत जाएं वहाँ ईवीएम? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ ना है, तो इनकी टेक्नोलॉजी जाने कैसी, वोट डाल ले साइकिल पे जा रहा उस पे बीजेपी पे, तो ईवीएम पर किसी को भी भरोसा नहीं है? बिल्कुल भरोसा नहीं है ईवीएम से, कराओ पर्ची मैच कराओ सुप्रीम को, हाँ मैच कराओ। तो ईवीएम की बात कर रहे हैं, बटन दबा रहे हैं, तुम ईवीएम की बात कर रहे हैं, चंडीगढ़ में तो खुल्ला बेईमान ना खड़ा, मोटरसाइकिल
उस पर क्या बोलोगे? सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करें सोशल मीडिया वालों का। अगर ये सोशल मीडिया ना सुन लो भाई, सुन तो ले लाला, सुन ले बेटे, जज्बात में काम ना करे करते, जब ही तो देश का नाश हो गया, होश में काम करो। मैं धन्यवाद करता हूँ सोशल मीडिया का, जो यूट्यूब चैनल है, जो सच्चाई दिखा रहे हैं। बड़े वाले नेशनल तो घर बैठ गए हैं, चोर हैं चोर। अब आप कह रहे हैं उसकी क्या कहते हैं ईवीएम की, जब चंडीगढ़ में खुल्लम खुल्ला बेईमाना हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई कि ये बेईमान है, तो मशीन में क्यों नहीं कर सकते? अच्छा, 5 किलो राशन जो दे रही सरकार, वो मुद्दा बनेगा नहीं? मुद्दा वो कहे का मुद्दा, कहे का मुद्दा अपने घर से दे रहे? अरे मुद्दा है बेरोजगारी का, मुद्दा है शिक्षा का, इससे क्या क्या होता है? वो नहीं है मुद्दा, 5 किलो अनाज का मुद्दा है क्या? 2.5 दिन का राशन 5 किलो मुद्दा होगा? अरे मुद्दा होगा 50 लाख नौजवानों ने भर्ती भरी थी पुलिस की, कैंसिल हो गई। अरे मुद्दा होगा मेरे नौजवान आज डिग्रिया फूंक फूंक कर आत्महत्या कर रहे हैं। दुनिया की सबसे अहम चीज शिक्षा जो होती है, उस पर GST है, तालीम पर GST है। लेकिन ये सरकार कहती है हम अगली बार जब आएंगे चुनकर फिर राशन देंगे। तो राशन तो कौन, राशन महंगाई को कौन ले रहा है? दुगनी महंगाई है, मेडिसिन पे महंगाई है, एजुकेशन पे महंगाई है, इलेक्ट्रिक पे महंगाई है, हर चीज पर महंगाई है। महंगाई के बदले 10,000 रुपए महीना प्रति व्यक्ति। चुनाव चुनाव किस मुद्दे पर होना चाहिए? चुनाव बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर होना चाहिए, बेरोजगारी और महंगाई शिक्षा के मुद्दे पर होना चाहिए। 5 किलो के राशन से कुछ नहीं होगा, बात होनी चाहिए बेरोजगारी पर, बात होनी चाहिए शिक्षा पर। चलिए फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए आप हमारे साथ।